वही अगली खबर ग्वालियर से है, जहां विकास प्राधिकरण को सरेंडर की गई जमीन के बदले मिले प्लांटों की बिक्री अब जमीन मालिकों के लिए सिरदर्द साबित हो रही है। दरअसल जीडीए को जमीन देने का कहना है कि शताब्दी पुरम फेज 2 के ब्लॉक 1 में जो 8 प्लॉट जीडीए ने उन्हें सरेंडर की गई कुल 0.537 हेक्टेयर जमीन के बदले दिए थे, अब उन पर असामाजिक तत्व अवैध कब्जा कर रहे हैं, जबकि वे इन प्लांटों को बेच चुके हैं। विकास प्राधिकरण कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। वही शिकायतकर्ता राजीव शर्मा और हृदेश भदौरिया ने प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी से मुलाकात कर इस मामले में हस्तक्षेप करने को कहा है। वही जीडीए के सीईओ ने शिकायतकर्ताओं को आश्वासन दिया है कि वे की जांच करेंगे और उचित कार्रवाई भी करेंगे। इनकी जो शिकायत है उसके अनुसार इन लोगों ने कभी जीडीए को ज़मीन सरेंडर की है, बदले में इनको डेवलप प्लॉट और एरिया दिया जाना था तो वो इनको दिया गया है, लेकिन इनका कहना ये हमें मौके पर पजेशन नहीं दी और उस पर पजेशन नहीं देने से कुछ लोगों ने घर बनाए हैं और अतिक्रमण किया है। तो दो लोग अपने अपने स्तर से अलग शिकायत लेकर आए हैं, मैं उसमें जाँच करा था। डीए में शिकायत लगाई है मैंने, जीडीए सर्वे क्रमांक 848 समर्पित की थी आज से 2 साल पहले राजीव शर्मा ने, जिनके माध्यम से क्या है एक्चुअली इन्होंने मुझे भूखंड तो दिए जिस पर आज दिनांक तक के लिए 2 साल परेशान हो रहा हूँ। जब मुझे वास्तविक स्थिति से 2 साल से ये पता चल रहा है कि मेरे भूखंडों पर अवैध अतिक्रमण किया जा रहा है, जिसके आवेदन मैंने जीडीए को जिला कार्यालय हर जगह मैं दे देकर परेशान हूँ, यहाँ आता हूँ यहाँ ये कह दिया जाता है, आश्वासन दे के बोले आपकी शिकायत हमने ले ली है इस पर हम कार्रवाई करेंगे, आज दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसी की शिकायत लेके आज मैं सीओ साहब का कहना ये है मुझसे कि बोले कि मैं आपके कार्रवाई दिए गए आवेदन पर कार्रवाई करूँगा।